यूपी के संभल में देर से ही फूड महकमे ने कांवड़ मार्ग पर अवैध रूप से चल रही मीट की दुकान को सील कर दिया। पूरा मामला आगरा एनएच पर धनारी थाने के करीब मुर्गी के मीट की दुकान का है। फूड इंस्पेक्टर ने कांवड़ मार्ग पर बिना लाइसेंस चल रही दुकान को सील कर दिया। उन्होंने बताया कि बिना लाइसेंस दुकान थी, पहले बंद करने को कहा गया था। सावन का खास दिन है, इसलिए दुकान को सील कर दिया गया। कांवड़ मार्ग पर मान सम्मान कर फूड इंस्पेक्टर ने भले ही देर से कार्रवाई की हो, लेकिन संभल में आबकारी महकमा और जिला प्रशासन सुधरने को तैयार नहीं है। कांवड़ मार्ग पर एनएच बबराला में 2, उन्नाव में 3 और बहजोई में 2 दुकानों पर अभी शराब की बिक्री हो रही है। आज कांवड़ यात्रा के मद्देनजर इन दुकानों को, मीट की दुकानों को निरीक्षण किया जा रहा था कि कौन सी दुकानें खुली हैं, कौन सी बंद हैं। इन्हें पहले भी निर्देश दिया जा चुका था कि पूरे सावन मास में शासनादेश के अनुसार अपनी दुकानें बंद रखें और मीट का बिक्री न करें या कटाना बेचने का न करें। आज इनको दुकान पर खुली दुकान पाई गई। दूसरा, इन दुकान पर लाइसेंस नहीं है और ये आज के दिन श्रावण मास का बहुत मशहूर दिन है, इस दिन ये अपने दुकान में मुर्गा काट के बेच पाएगी। कोई कार्रवाई अमल बनाएगी मैम? हाँ, इसमें मैंने क्या किया कि जितने इनके अंदर मुर्गियाँ पड़ी हुई थी उनको हटवाया, ताकि दुकान को सील किया गया, ताकि ये कवर। थैंक यू।